जी। तो आज हम फाइल बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके जो ऑपरेशंस थे वे हम सीखेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस इस पे कैसे कैसे परफॉर्म करे जाएंगे। तो मैंने एक ऑपरेशन आपको बताया था कि फाइल में हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है फाइल को ओपन करना। सबसे पहला काम हमारे पास यही है कि पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई फाइल है और वो फाइल बनी हुई है, उसको ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम किस तरह से कौन से फंक्शन का यूज करेंगे वो समझते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन है फाइल का वो है ओपनिंग द फाइल, यानी फाइल को ओपन कर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं बस ओपन द फाइल लिख लो, या ओपनिंग करना या ओपन करना, ओपन द फाइल, फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, कौन सा फंक्शन। ओपन करने का मतलब क्या है, फाइल को ओपन करने का मतलब है कि हमारे पास जो फाइल सेकेंडरी मेमोरी में रखी हुई है उसको हमें कहाँ पे लेके आना है, अपने प्रोग्राम में लेके आना है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से ओपन करना, ओपन करने को हम बेसिकली लोड करना बोलते हैं, कल आपको बताया था, उसको लोड करेंगे। और लोड करने के बाद जैसे ही वो प्रोग्राम में लोड होगी तो आप उसको फिर क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं ओपन फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ओपन फंक्शन। दो तरीके से होती है, दो फंक्शन इसमें यूज होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो एक फंक्शन का नाम है ओपन फंक्शन और दूसरा फंक्शन है हमारे पास फाइल फंक्शन। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज हो। मोस्ट कॉमनली हम ये वाला फंक्शन ही यूज करते हैं, ओपन वाला। ओपन वाला फंक्शन क्योंकि नाम ही ओपन करना, तो उसी के नाम से तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो जब ओपनिंग करेंगे किसी फाइल को या ओपन करेंगे किसी फाइल को, तो इसका मतलब है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, यानी एक्सटर्नल फाइल है कोई भी, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में है वो, सेकेंडरी मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर कोई फाइल है, उस फाइल को हमें कहाँ पे लेके आना, अपने पाइथन के प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम यहाँ पे इसको लेके आना है यहाँ से। तो जब इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो मतलब हो गया इसका रीड करना, रीड करेंगे हम फाइल, रीड फ्रॉम फाइल, फाइल से कोई डेटा हम जो है रीड करेंगे। इसको हम लोड करना या ओपन करना भी बोलते, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे यूज करे जाएंगे। अब बेसिकली हम एक वेरिएबल यूज करेंगे जो फाइल को लोड करेगा यहाँ पे। इसका जो ओपन फंक्शन है, ओपन फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, कोई फाइल का वेरिएबल बनाएंगे जिस नाम से उस फाइल को हम डिनोट करेंगे। गुड आफ्टरनून दीपांशु बेटा। तो हम क्या करेंगे कि फाइल जो है हमारे पास ओपन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक फाइल का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें फाइल की डिटेल रहेगी। फाइल का वेरिएबल लिखेंगे, इसको फाइल का वेरिएबल या फाइल का ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या हम फाइल का हैंडल भी बोलते हैं, फाइल हैंडल, ठीक है। ये तीन नाम है, आपके पास कोई भी आ जाए आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइल हैंडल क्या होता है, फाइल हैंडल मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। या एक वेरिएबल होता है जो फाइल को, जो फाइल ओपन कर रहे हैं उस फाइल को रेफर करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल हैंडल बोलते हैं, जो फाइल को रेफर करता है, जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं। ये लिखेंगे इक्वल टू ओपन, लिखेंगे ओपन फंक्शन का नाम और कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है उस फाइल का नाम देंगे, और फाइल किस मोड में ओपन करनी, तो फाइल का मोड लिखेंगे। ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। हाँ बेटा, इसमें सब वेरिएबल ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल का नाम और फाइल का मोड लिखना, ये सारी चीज सेम है। फाइल का वेरिएबल बोल दो, फाइल का ऑब्जेक्ट बोल दो, या फाइल का हैंडल बोल दो। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कि हमें ओपन फंक्शन किस तरह से यूज होता है, उसका सिंटैक्स है कि फाइल वेरिएबल लिखो, इक्वल टू में ओपन लिखो, ओपन ओपन के अंदर कौन सी फाइल ओपन करनी उस फाइल का नाम, और फिर फाइल का मोड, ठीक
है, तो ये वाला सिंटेक्स है, ठीक है, इस सिंटेक्स से हमारे पास ओपन फंक्शन काम करेगा। फाइल फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है, बस ओपन की जगह फाइल है, लेकिन हम यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं ओपन फंक्शन के अंदर, कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो दो आर्ग्यूमेंट है इसमें, एक फाइल का नाम और एक फाइल का मोड, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाइल हैंडल लिखा, तो ये फाइल हैंडल क्या है? तो फाइल हैंडल इज ए वेरिएबल, वेरिएबल है ये, ठीक है, विच इज यूज्ड टू रेफर, ठीक है, द ओपन फाइल, ओपन फाइल, जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं उस फाइल को रेफर कर, ठीक है। अब जो ओपन फंक्शन है उसमें हमने दो चीजें लिखी, एक फाइल का नाम, ठीक है। तो शुरू में जब हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, तो टेक्स्ट फाइल में नोट नहीं किया बेटा, नोट कर लिया करो या तभी बता दिया करो, अब इतना सारा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, बाद में देख लेना उसको, बता दिया करो कि अभी नोट नहीं किया, तभी साथ के साथ ही। तो फाइल का नाम जो है हमारे पास क्या लिखना है, ये जो है अगर आप टेक्स्ट फाइल लिखो बनाओगे, तो टेक्स्ट फाइल के केस में आप कोई नोट पैड पे फाइल बना लो, और नोट पैड पे फाइल बना के उसको डॉट टीएक्सटी से हमारे पास सेव हो जाएगी। टीएक्सटी फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, ठीक है, जो टेक्स्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, टीएक्सटी। जैसे इमेज फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ ऐसे होते हैं, ऐसे ही टेक्स्ट फाइल हमारे पास नॉर्मली टीएक्सटी से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। जब आप फाइल का नाम लिखोगे तो इसको इन्वर्टेड कोमाज में या सिंगल कोट में लिखना है, ये आपका, या तो सिंगल कोट में आप लिखेंगे इसको, सिंगल कोट में, ठीक है, या इन्वर्टेड कोट में, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको लिखना है फाइल का नाम। जब आप फाइल ओपन करेंगे तो बेसिकली फाइल हमारे पास वहां पर होनी चाहिए, मतलब कहीं जहां से आप ओपन कर रहे हैं वहां पे फाइल होनी चाहिए। तो आप पहले फाइल को एक क्रिएट कर लेंगे, और फर्स्ट क्रिएट एक टेक्स्ट फाइल, पहले आपको एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है यूजिंग नोट पैड का यूज करके क्रिएट करेंगे, एंड सेव इन द सेम फोल्डर, सेम फोल्डर में उसको सेव कर देंगे, वेहर, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम, जहां पे हमारा पाइथन का प्रोग्राम सेव होगा वहीं पे इसको सेव कर, नोट कर लो इसको। हेलो, नमस्ते बेटा। हाँ, क्लास चल रही है। ठीक है, 1 बजे करना। ठीक है बेटा, जब आपको फाइल जब ओपन करेंगे तो पहले हम फाइल बना लेंगे एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है, वो नोट पैड की हेल्प से आप बना लो, और उसको सेव कर देंगे सेम ही फोल्डर में जहाँ पे आपको प्रोग्राम सेव करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और उस फाइल का नाम यहाँ पे दे देंगे। दूसरा पैरामीटर क्या था? फाइल का मोड था। ये फाइल क्रिएट करनी कब जरूरी है? अगर आप रीड मोड में ओपन करते हो फाइल को, तो ये फाइल क्रिएट करनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप रीड मोड में ओपन नहीं करते हो तो कोई, अगर आप राइट मोड में करते हो तो वहां पे अपने आप ही फाइल बन जाती है, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं होता। देखो, अब हमें यहाँ पे समझने होंगे फाइल के मोड क्या क्या होंगे। दूसरा पैरामीटर है जो फाइल मोड, ठीक है, वो क्या है? हमने लिखा कि भाई फाइल का वेरिएबल लिखेंगे, मान लिया फाइल का वेरिएबल आपने एफ लिख लिया, फाइल हैंडल इक्वल टू ओपन लिखेंगे,
ओपन के बाद फाइल का नाम लिखेंगे, मान लिया ए डॉट टी एक्स टी नाम है फाइल का। फिर हमें फाइल के मोड लिखने हैं, तो ये फाइल के मोड क्या होंगे, ठीक है ये देना। फाइल का मोड जो है ये ऑप्शनल होता है, मतलब आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। आप फाइल का मोड लिख भी सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो कि ओपन ए डॉट टी एक्स टी। तो जब आप फाइल का मोड नहीं लिखोगे तो वो अपने आप ले लेगा। तो डिफॉल्ट जो फाइल का मोड होता है वो होता है रीड मोड, ठीक है। डिफॉल्ट जो मोड होगा वो क्या होगा, रीड मोड होगा, अपने फाइल यानी रीड मोड में ओपन होगा। तो जो फाइल के मोड होते हैं यहाँ पे हम बेसिकली तीन तरह के मोड यूज करते हैं, ठीक है। थ्री बेसिक मोड होते हैं, या तो आप फाइल को जो है रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए ओपन करोगे कि क्या लिखा हुआ है उसमें। पहला होता है रीड मोड, ठीक है। रीड मोड को हम डिनोट करते हैं आर से। दूसरा होता है या आप फाइल में कुछ लिखना चाहते हो तो राइट मोड, जिसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। और तीसरा होगा हमारे पास अपेंड मोड। फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ है, अब आपने बनी हुई फाइल को ओपन कर लिया, उसमें आगे कुछ ऐड करना है, उसके लास्ट में कुछ ऐड करना है, तो अपेंड मोड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये रीड मोड डिफॉल्ट मोड होता है। अगर आप कोई भी मोड नहीं दोगे तो रीड वाला मोड चलेगा, ठीक है। अगर ना जैसे ये वाला है तो इसका मोड क्या होगा, ये रीड मोड में ओपन होगा, ठीक है। अगर आपको कोई और मोड लिखना है तो आपको मोड लिखना पड़ेगा कि कौन से मोड में आप यूज करना चाहते हैं। और मोड को भी हम सिंगल कोट में ही लिखेंगे, ये भी आपको सिंगल कोट में लिखने हैं या डबल कोट में, ठीक है, स्ट्रिंग कर। अब देखो इनके बारे में, इनके ये कॉम्बिनेशन से, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से भी यूज होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे वो देखेंगे, इसको नोट करो पहले। करण अर्जुन अभय अनिल आसिफ चिराग, नोट कर लो। किसी को कुछ भी पूछना हो, जहां कुछ समझ नहीं आ रहा हो पूछ लेना। सर ये थ्री बेसिक मोड है सर, वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे सर। हाँ स्मॉल लेटर में करेंगे। अब देखो ये तो बेसिक मोड हो गए, इनके कॉम्बिनेशन से कैसे काम करेंगे हम, टोटल मोड पढ़ेंगे कौन कौन से, कैसे कैसे लिख सकते हो। या तो आप आर लिखोगे, आर का मतलब है जब आप रीड मोड को यूज करोगे तो फाइल जो है रीडिंग के लिए ओपन होगी, ठीक है। यानी इसका काम है ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग ओनली, यानी आप केवल उसमें से रीड कर सकते, ठीक है। जब आप फाइल ओपन होगी, मान लिया यही वाली फाइल है जैसे जो आपके पास लिखी हुई, ये फाइल में लिखा हुआ, तो रीड करोगे आप पहली पहले कैरेक्टर से। तो जो हमारा पॉइंटर होगा रीड वाला, वो सबसे शुरू में होगा, फर्स्ट कैरेक्टर पे होगा। तो जो फाइल का पॉइंटर बनाएंगे आप, फाइल पॉइंटर, वो कहाँ पर होता है रीड मोड में, सबसे स्टार्टिंग में होता है। दी फाइल पॉइंटर इज प्लेस एट द बिगिनिंग, क्योंकि आप पढ़ना कहाँ से शुरू करोगे, स्टार्टिंग से शुरू करोगे, रीड करना फाइल में एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। रीड का मतलब ये है कि फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा डिस्प्ले, ठीक है। ये डिफॉल्ट मोड होता है फाइल का, दिस इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ फाइल। देखो ये आपके पास कंप्यूटर साइंस है, ये कोई आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है।
तो जो आपको जो है पैराग्राफ के उसमें लिखना, जब भी आप कोई चीज लिखो किसी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना, पेपर में लिखने का तरीका आपको क्या करना। जैसे मैंने ये चीजें लिखी है, तो अगर टीचर को दूर से ही दिख जाए वो अट्रैक्टिव सी लगे, तो आपको है ना हर चीज अलग अलग लाइन में पॉइंट के थ्रू लिखो, क्योंकि पॉइंट के थ्रू टीचर है ना आप लाइन में लिख रहे हैं, जो चीज आप 4 लाइन में लिख रहे हैं वो पॉइंट के थ्रू आपकी 8 लाइन में हो जाएगी, आपका लिखा हुआ भी ज्यादा लगेगा और ये भी लिखा होगा इसने बच्चे ने कोई तुक्के नहीं मारे, क्योंकि पैराग्राफ में बच्चे तुक्के भी मार देते हैं कुछ भी बीच में। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे क्लियरली डिफाइन होगा कि आप क्या कहना चाहते हो, तो कम चीज में ज्यादा समझ में आएगा और वो ही लिखेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, ऐसे अलग अलग लाइन में करके लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि रीड मोड क्या करता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग ओनली, दूसरा पॉइंट हो गया कि फाइल पॉइंटर जो है बिगनिंग में होगा, तीसरा पॉइंट हो गया डिफॉल्ट मोड होता है, ठीक है। ये जो है बेसिकली अगर हम इसका मतलब क्या है कि फाइल पहले से बनी हुई होनी चाहिए, अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो ये फाइल नॉट फाउंड एरर दे देता है, ठीक है। यानी फाइल शुड बी या मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। अदरवाइज फाइल अगर नहीं मिली, ठीक है, इट विल, अदरवाइज इफ फाइल इज नॉट फाउंड then it will generate file not found error, file not found ये generate कर, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब देखो किस तरह से हम यूज करेंगे इसका। एग्जाम्पल हमने लिख दिया कि फाइल वेरिएबल का नाम एफ है, इक्वल टू ओपन लिखा हमने, फाइल का नाम मान लिया ए डॉट टी एक्स टी है, और जो फाइल का मोड है वो आर है, ठीक है। ये लिखो या इस लाइन को हम ऐसे लिख दें, एफ इक्वल टू ओपन ए डॉट टी एक्स टी, एक ही बात है कि क्योंकि डिफॉल्ट मोड जो है रीड ही होता है, अगर आप मोड नहीं भी दोगे तो वो रीड ही मानेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फाइल का मोड, ये रीड मोड यूज होता है। अब देखो कैसे हम इसको यूज करेंगे, जैसे आपने लिखा एफ इक्वल टू ओपन ए डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो अभी अगर ये फाइल नहीं होगी तो आपके पास फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगी, ये आ गई ना एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये फाइल है ही नहीं। ये कहां पर नहीं है फाइल, हमने बताया था फाइल कहां पर होनी चाहिए, जहां से हमारे पास ये पाइथन चल रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वहां पर होनी चाहिए जहां पे हमारे पास प्रोग्राम होते हैं। तो ये प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं हमारे, तो प्रोग्राम आपको पता ही है कहाँ पे स्टोर होते हैं, बताओ कहाँ होते हैं, सी ड्राइव के अंदर होते हैं ना, ये तो नोट कर लिया ना सबने। तो सी ड्राइव में हम जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स है, यूजर्स के अंदर एसपी शर्मा या आपका जो भी नाम है वहां पर, उसके अंदर ऐप डेटा आएगा, ऐप डेटा के अंदर लोकल, लोकल के अंदर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन, पाइथन के अंदर Python 3.8 है, और यहाँ पर होगा, यहाँ पे ए नाम की कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए एरर आई है यहाँ पे, फाइल नॉट फाउंड। तो हम एक फाइल बनाएंगे और फिर हम उसको यूज करेंगे। तो हमने जैसे नोट पैड ओपन करा, नोट पैड पे हम फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो सबने लिख लिया ना बेटा सब, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम पाइथन, दिस इज ए टेक्स्ट फाइल, इट इज क्रिएटेड यूजिंग, ठीक है, ये हमने फाइल बनाई, इसको सेव करेंगे।
उसी फोल्डर में सेव करना, Python 3.8 में। मान ले इसका नाम रख दिया हमने a.txt, ठीक है। अब आपने ये सेव कर दी, अब हम ओपन कर लेंगे अपना जो है पाइथन को, ओपन कर लेंगे। अब दोबारा से आप यूज करो इसी कमांड को, तो अब देखो आपके पास एरर नहीं आई, ठीक है, ये चल गया, इसका मतलब उसको फाइल मिल गई है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन, ठीक है, a.txt, ठीक है, और कोमा लगा के रीड मोड, ऐसे तो ये भी हो गया। तो इस तर, अब अगर आप प्रिंट कराओगे इसको, एफ को प्रिंट कराना लगाओ, तो आपको ये प्रिंट करके क्या देगा, ये फाइल का नाम बता दिया इसने, फाइल का नाम है a.txt। फाइल किस मोड में यूज हुई है, रीड मोड में। एनकोडिंग फाइल की क्या यूज हो रही है, ये आपको बताया था, बेसिकली आस्काई कोड या यूनिकोड, बाय डिफॉल्ट हमारे पास आस्काई कोड होते हैं। तो फाइल में इंग्लिश वाले लेटर आप यूज करेंगे, आस्काई लेटर आपके यूज होंगे तो फाइल ओपन होगी। अगर कुछ वैसे चीजें आ रही तो फाइल ओपन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी हम केवल आस्काई वाली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश वाली यूज करनी, बाकी यूनिकोड की कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आई चीजें आपको, ये हमारे पास होगी फाइल का रीड मोड। अब नेक्स्ट मोड पढ़ते हैं, ठीक है, कि फाइल का अगर हमारे पास दूसरा मोड है वो कैसे यूज होता है। दूसरा मोड होता है हमारे पास एक आरबी मोड, आरबी, इसका मतलब होता है बाइनरी फाइल। बी का मतलब है बाइनरी फाइल और आर का मतलब है रीड, यानी रीड मोड ऑफ बाइनरी फाइल। वो टेक्स्ट फाइल के लिए था, ये बाइनरी फाइल के लिए। यानी अगर आपको रीड करनी है कोई इमेज, रीड करनी है कोई ऑडियो वीडियो प्ले करनी है, ये सारी चीजें, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। यानी इसका मतलब हो गया कि ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो जब रीड करते हैं फाइल का पॉइंटर जो है स्टार्टिंग में ही होता है, और जो बाइनरी फाइल होती है बाइनरी फाइल के लिए ये डिफॉल्ट मोड होता है। जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए रीड डिफॉल्ट मोड होता है, ये बाइनरी फाइल के लिए डिफॉल्ट मोड होता है। दिस इज द डिफॉल्ट मोड फॉर बाइनरी फाइल। इसी तरह से पॉइंट बना के लिखा करो एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी लिख देंगे फाइल पॉइंटर बिगनिंग में आ जाएगा, यानी द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। पहले हम सारे फाइल के मोड पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर उन मोड को यूज करना देखेंगे, ठीक है, कैसे यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रीड मोड, ठीक है। एक मोड होता है हमारे पास आर डब्ल्यू मोड, ये रीड हो गया बाइनरी का। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड, ठीक है, इसका मतलब है ओपन करेंगे फाइल राइट करने के लिए, यानी ओपन ए फाइल और राइटिंग होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर फाइल पहले से नहीं भी बनी होगी तो ये खुद बना देता है फाइल, ठीक है। अगर फाइल नहीं है तो ये खुद ही फाइल बना देता है, अगर पहले से बनी हुई फाइल है तो उस फाइल को ओवरराइट कर देगा, ठीक है, उस फाइल को हटा देगा, पुरानी फाइल को नई बनाएगा, ये हमेशा नई फाइल क्रिएट करता है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे ये फाइल को ओपन भी करता है और फाइल को क्रिएट भी करता है, पहले फाइल बनाएगा फिर उसको ओपन करेगा, ठीक है। तो आपको अलग से नोट पैड पे जाके फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट ओवरराइट
फाइल इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर पहले से नहीं बनी हुई है तो क्या करेगा, नई फाइल बनाएगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट ए न्यू फाइल। और राइट, ठीक है, राइट करने के लिए एक नई फाइल। तो डब्ल्यू मोड हमारे लिए दोनों काम कर रहा है, फाइल भी क्रिएट कर रहा है और फाइल को ओपन भी कर रहा है। लेकिन फाइल अब ओपन किसके किस लिए है, राइट करने के लिए, यानी आप फाइल में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। मान लिया आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है, राइट मोड के लिए कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। हमने ये ओपन कर लिया, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कोई फाइल ए नाम की, तो हमने ये बनाई थी ए डॉट टी एक्स टी आ गई। इसमें कहीं बी नाम की कोई फाइल नहीं है, मैं बी डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल बनाना चाहता हूँ, तो हमने ये ओपन करा, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ इक्वल टू ओपन और फाइल का नाम लिख दिया बी डॉट टी एक्स टी, पहले से बनी हुई फाइल नहीं है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है राइट मोड डब्ल्यू, एंटर करा। तो आप एंटर जैसे ही करा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बी डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बन गई ना। इस फाइल में अभी कुछ नहीं होगा, ये खाली होगी क्योंकि अभी लिखा नहीं है हमने, केवल फाइल बन गई। तो इस तरह से फाइल क्रिएट करी जाती है, ठीक है, आप पाइथन के थ्रू ऐसे फाइल क्रिएट कर लेंगे। जब भी आप पाइथन से कोई भी वेबसाइट वगैरह या किसी भी लैंग्वेज से बनाते हैं तो ऐसे ही फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं। यूजर जैसे मान लिया कोई फॉर्म फिल करवाया हमने, तो यूजर ने कोई फॉर्म फिल किया तो उसने जैसे ही सबमिट करा तो उसकी एक फाइल बन के आ गई। जब भी हमें उसकी डिटेल देखनी उस फाइल में से हम डील कर लेते हैं, या तो डेटाबेस में कर देते हैं या फाइल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फाइलें क्रिएट हो, तो ये जैसे ऑनलाइन वे होते हैं हमारे पास, एक्सेल वगैरह की फाइलें क्रिएट होती हैं, वर्ड की फाइल क्रिएट होती हैं, तो ये सब इसी तरह से बनती है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कोई मैसेज भेजे किसी को, तो मैसेज भेजने पे किस किस पे मैसेज गए उसकी रिपोर्टिंग निकालनी, तो एकदम से आप फाइल क्रिएट कर देंगे, एक्सेल में बन के आ जाएगी रिपोर्ट, तो वो इसी तरह से बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास राइट मोड का। लिखेंगे कैसे उसमें वो भी अभी बताएंगे, लिखना रीड करना सारी चीजें आपको अभी कराएंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा नेक्स्ट मोड है, तीन मोड हमने पढ़े, आर आरबी और डब्ल्यू। अब एक मोड होता है हमारे पास आर प्लस मोड। ठीक है, आर प्लस का मतलब है रीड और राइट दोनों होगा, फाइल को हम रीड के लिए भी ओपन करेंगे और राइट के लिए भी, मतलब उस फाइल में आप दोनों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए हमारे पास। तो जो फाइल का पॉइंटर रहेगा वो बिगिनिंग में ही रहेगा, स्टार्टिंग में, क्योंकि रीड भी होना, द फाइल पॉइंटर will be at the beginning of the file, फाइल के बिगनिंग। एक मोड होता है हमारे पास आर बी प्लस, यानी बाइनरी फाइल को रीड भी करना और राइट भी करना। तो ओपन ए बाइनरी फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, फाइल पॉइंटर इसका भी बिगिनिंग में ही रहेगा, जहां भी रीड आ रहा वहां पर फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में रहेगा। फाइल पॉइंटर मतलब होता है एक तरह से कर्सर। ठीक है, कर्सर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रीड वाला कर्सर होता है, एक राइट वाला। देखो जैसे हम ये कर्सर यूज कर रहे हैं,
यहाँ पर, ठीक है। एक कर्सर तो ये है, तो एक हमने यहाँ पे क्लिक लगा दिया, ये ब्लिंक कर रहा है, ये राइट वाला है, और जो हम ये यूज कर रहे हैं ऊपर माउस वाला, ये रीड है कि हम यहाँ से रीड करते हुए चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे टाइप करेंगे हम कुछ, तो टाइप यहीं पे होगा, ये राइट वाला है, ठीक है। तो रीड वाले कर्सर की बात हो रही, जो फाइल पॉइंटर है रीड वाला, तो रीड वाला फाइल पॉइंटर वो बिगनिंग में ही रहेगा, विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। एक होता है हमारे पास डब्ल्यू बी मोड, जैसे आर के साथ बी लग जाता है वैसे डब्ल्यू के साथ बी, यानी राइट करनी है हमें, राइट मोड में खोलना बाइनरी फाइल, तो ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग ओनली, ठीक है, इन बाइनरी फॉर्मेट। इसका काम वही है राइट वाले का, अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, अगर नहीं बनी हुई तो नई फाइल क्रिएट। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है देन ओवर राइट इट, ठीक है। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स ए न्यू फाइल। ऑलराइट, नई फाइल बनाएगा बाइनरी फॉर्मेट में राइट करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये, तो जिस तरह से हमारे पास हमने मोड देखा, एक आर होता है, एक आर प्लस होता है, एक आर बी होता है, एक आर बी प्लस होता है, ऐसे ही एक W के लिए W है, तो W प्लस भी है, W बी भी है, W बी प्लस भी, ठीक है। सेम इसी तरह से एक मोड होता है A, A प्लस, ठीक है, A बी और A बी प्लस, ये नौ मोड हो जाएंगे। ये तीन बेसिक मोड हैं, इन तीन बेसिक मोड के आगे अगर फर्दर हम देखेंगे तो नौ हो जाएंगे, ये रीड के लिए, ये राइट के लिए, ये अपेंड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास तरीके, नोट कर लो। आगे के मोड में जो है एक एक लाइन लिखवा देता हूं, बाकी सब सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, आप बाकी जल्दी से नोट करो उसको। चलो अब नेक्स्ट मोड है हमारे पास W प्लस, ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो ओवर राइट कर देगा, अदरवाइज नई फाइल क्रिएट। एक होता है W बी प्लस, यानी ओपन ए बाइनरी फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। फाइल पहले से बनी हुई तो ओवरराइट, नहीं बनी हुई, ठीक है, तो जो होगा वो क्रिएट कर देगा। बेटा सिस्टम में यूज कैसे करेंगे अभी बताया, तो आपको जैसे फाइल क्रिएट करनी होती है, फाइल क्रिएट करनी बताई तो थी अभी रीड और राइट की, आगे यूज करेंगे और कैसे रीड वगैरह करेंगे सारे मोड पढ़ेंगे। ए मोड यानी इसको बोलते हैं हम अपेंड मोड, ठीक है।
तो ये क्या करता है कि ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंड का मतलब होता है कि पहले से जैसे ये फाइल बनी हुई है तो इसके आगे लिखना, बीच में नहीं लिख सकते, शुरू में नहीं लिख सकते, बाद में कुछ और ऐड करना है इसमें, तो वो होता है अपेंड। ठीक है, तो अपेंड मोड में हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जब अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो फाइल पॉइंटर सबसे लास्ट में होगा, इसमें लास्ट से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दी फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल। तो बाकी मोड में और इस मोड में डिफरेंस ये है फाइल पॉइंटर में कि फाइल पॉइंटर रीड मोड में स्टार्टिंग में होता है, अपेंड मोड में लास्ट में है, एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, अब ये भी वही करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको अपेंड मोड में ओपन कर दे, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नई फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, तो इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो देन ओपन इट फॉर अपेंडिंग। ठीक है, और अगर फाइल पहले से नहीं बनी हुई है, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको ओपन करेगा राइट मोड की। ठीक है, तो इट क्रिएट ए न्यू फाइल, नई फाइल क्रिएट करेगा और ये राइट मोड की तरह ही काम करेगी फॉर राइट। ठीक है, तो देखो राइट वाला मोड था उसमें क्या होता था, अगर फाइल पहले से ही बनी हुई तो पुरानी फाइल डिलीट हो जाती थी, उसी को ओवरराइट करके नई फाइल बना देता था। इसमें क्या होता है, फाइल अगर पहले से बनी हुई तो वो रहेगा, उसके आगे से लिखना शुरू कर देगा, अगर फाइल नहीं बनी हुई तो ये राइटिंग मोड की तरह ही काम करेगा। तो ये वाले जो तीन पॉइंट है लास्ट वाले, ये सब में सेम ही रहेंगे, ए मोड हो, ए बी हो, ए बी प्लस हो या ए प्लस हो, चारों के चारों में सेम ही रहेंगे। बस हमारे पास थोड़ा सा चेंजेज होगा कि बाइनरी मोड में ओपन करना है या किस मोड में। नोट करो इसको, टोटल आपके तीन बेसिक मोड है और उनके चार चार टाइप हो गए थे, 12 आपके मोड हो गए। सारे मोड आपको याद होने चाहिए तभी इसके क्वेश्चंस आप कर पाओगे, प्रोग्राम कर पाओगे। मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मोड के आपको पता नहीं चलेगा कि फाइल हमें कैसे यूज करनी। अब देखो नेक्स्ट मोड है जैसे हमारे पास ए बी मोड। ए बी क्या करता है कि एक फाइल को, बाइनरी फाइल को ओपन करेगा अपेंड करने के लिए, यानी ओपन ए बाइनरी फाइल फॉर अपेंडिंग। बाकी लास्ट वाले तीन पॉइंट इसके भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, ए प्लस करेंगे तो ये अपेंड भी करेगा और रीड भी करेगा, दोनों करेगा। तो ओपन ए फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग, यानी फाइल में आप अपेंड भी कर सकते हो, डेटा ऐड भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, तो अपेंड मोड में जब हम ओपन कर रहे हैं तो वही फाइल लास्ट में ही जाएगी, पॉइंटर जो है फाइल पॉइंटर लास्ट में ही रहेगा इसमें भी। और एक होता है हमारे पास ए बी प्लस, यानी वो अपेंड भी करेगा और रीड भी करेगा लेकिन बाइनरी फाइल। ओपन ए बाइनरी फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग, अपेंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म है। अब देखो हम इसके प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये काम करता है।
जब आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद उसमें काम कर लेंगे, काम हो जाएगा जब, उसके बाद जो है फिर हम उसको क्लोज भी करेंगे। तो अगर आपको फाइल को क्लोज करना होता है, जैसे ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन होता है, अगर क्लोज करना होता है तो क्लोज फंक्शन यूज करें। क्लोजिंग ए फाइल, अगर आपको फाइल को क्लोज करना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। फाइल का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कौन सी फाइल आपको क्लोज करनी, डॉट क्लोज फंक्शन यूज करें। ठीक है, तो ये क्लोज फंक्शन आपको यूज करना है। जैसे फाइल का ऑब्जेक्ट एफ है, एफ डॉट क्लोज कर, इस तरह से आप यूज। अब हम एक फाइल ओपन करेंगे और फाइल ओपन करेंगे जैसे रीड मोड में, यही वाली फाइल जो ए डॉट टी एक्स टी हमारी बनी हुई है, इस फाइल को हम रीड करके देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे यूज करेंगे। अब देखो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपना यहाँ पे ये। तो हमने फाइल ओपन करी सबसे पहले एफ इक्वल टू ओपन, ठीक है, पहले जो फाइल खुली हुई थी सबको क्लोज कर दो, एफ डॉट क्लोज कर दिया तो सब क्लोज हो। अब ओपन कर लेते हैं, एफ इक्वल टू ओपन, हमें ए डॉट टी एक्स टी फाइल ओपन करनी है, रीड मोड में ओपन करनी है, यहाँ पे रीड कर, फाइल ओपन हो गई। अब मुझको फाइल का नाम प्रिंट कराना, तो आप प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट में आपने लिख दिया जैसे फाइल का नाम, फाइल नेम इक्वल और कॉमा लगा के एफ डॉट नेम कर दो, तो नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है तो वो फाइल का नाम बता देती है कि फाइल का नाम ए डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको फाइल का मोड पता करना, वो प्रिंट कराना, तो प्रिंट करेंगे हम, ठीक है, फाइल मोड इक्वल टू, ठीक है, ये एफ डॉट मोड लगा दो, फाइल का मोड बता देगा रीड मोड। इस फाइल को हमने जो है रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये देखना है हमें, तो हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया इज फाइल रीडेबल, क्या ये फाइल रीडेबल है, इससे हम डेटा रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एफ डॉट रीडेबल आप यूज करिए। ये रीडेबल फंक्शन होता है तो इसमें ब्रैकेट लगेंगे, मोड और नेम प्रॉपर्टी थी उसमें ब्रैकेट नहीं लगे, इसने कहा ट्रू, हाँ रीड कर सकते। हमें ये देखना है ये फाइल ओपन है या क्लोज है, अभी ये फाइल ओपन हुई हुई है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस फाइल इस क्लोज, क्या फाइल क्लोज है या ओपन है ये देखने के लिए। तो हमने यहाँ एफ डॉट क्लोज्ड लिखा, क्लोज नहीं लिखना, क्लोज्ड लिखना है, ठीक है, और ये फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है, तो ये कहेगा फॉल्स, फाइल क्लोज नहीं है, ओपन कर रखी है, भाई यहाँ पे ओपन करी थी तो ओपन हो रही है, ठीक है, बैकग्राउंड में ओपन है वो, कहीं आपको क्लोज करनी तो आप एफ डॉट क्लोज कर दो, एफ डॉट क्लोज करके अब देखोगे कि क्लोज है या नहीं, तो अब कह देगा ट्रू, क्लोज है अब आपके पास। इस तरह से ये चीजें आप जो है वो नई फाइल बना के उसमें भी कर सकते हो, मतलब स्क्रिप्ट मोड में भी, मान लिया ये स्क्रिप्ट मोड हमने ओपन करा, यही चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हमने फाइल को ओपन करा, ठीक है, और प्रिंट कर दे फाइल का नाम, एक ही बार में हम यहाँ पे कर देते हैं, फाइल का मोड, फाइल रीडेबल है क्या, फाइल हमारे पास क्लोज है क्या, और एफ डॉट क्लोज करने के बाद फिर हम दोबारा से चेक कर लेते हैं क्लोज है क्या, इसको सेव कर दिया, रन करा दिया। तो ये सारी चीजें एक ही साथ आपके पास आ गई। बेटा कराएंगे जो जो करा रहे हैं अभी, एक एक तो देख ले, ये समझ में आ गया इतना, पहले इसको देख ले, एक ही दिन में सारी की सारी फाइल हैंडलिंग खत्म होगी क्या? जो जो कराते जा रहे हैं उसके हिसाब से करो। तो ये हमारे पास ये हो गया, पहले फाइल बनानी तो सीखी नहीं, सर्चिंग करनी सीख लो, तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपन कर लिया हमने। अब अगर हम यहाँ पे फाइल की प्रॉपर्टी एक ही साथ लिखे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में
केवल एफ ही लिख देता हूं। तो एफ लिखने से इसके क्या क्या आएंगी, फाइल का नाम भी आ रहा, मोड भी आ रहा, एनकोडिंग ये सब आ रहा इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारे पास फाइल की प्रॉपर्टी वगैरह, फाइल के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है तो कैसे करानी। अब फाइल से कुछ डेटा रीड करना, जो फाइल में लिखा हुआ है वो हमें प्रिंट कराना, हमें नहीं पता, हमें नोट पैड नहीं पता, हम तो यहीं से करते हैं, हमें प्रोग्रामिंग आती है, नोट पैड ना आती है। तो हमें यहाँ से देखना है कि किस तरह से हम फाइल में जो लिखा हुआ है उसको रीड करें। तो फाइल का जो डेटा है उसको रीड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रीड नाम का मेथड, ठीक है। तो एफ डॉट रीड आप यूज कर लेंगे तो फाइल का कंटेंट भी आपको शो हो जाए, ठीक है। फाइल क्लोज हो गई थी बीच में तो इसलिए अभी रीड नहीं कर पाया, दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोज कर दी थी ना यहाँ पे, तो जब क्लोज होगी तो रीड कैसे करोगे, तो रीड मोड में ओपन करो उसको दोबारा से, और ओपन करने के बाद इसको हमने रीड कर लिया, रीड करके फिर से क्लोज कर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब देखा तो फाइल में लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम पाइथन, दिस इज ए टेक्स्ट फाइल, इट इज क्रिएटेड, ये लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से फाइल का कंटेंट जो है आप शो करा सकते। यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया कि प्रिंट द कंटेंट ऑफ फाइल, कंटेंट ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सो कंटेंट ऑफ फाइल ये है, समझ में आया। तो बेटा इस तरह से हम यूज करेंगे, बाकी आपको जो है इसमें कि आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रीड करना, कुछ एक ही लाइन यूज करनी, लाइन बाय लाइन करना, अलग अलग तरीके से रीड करना, सर्चिंग करनी, ये सब